प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बच्चों के स्कूल हो गए हैं ओपन और बच्चे बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं स्कूल जाने के लिए। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम में जब उन्होंने सारे टीवी देखा है, टैबलेट, गेम्स में मसरूफ रहे हैं, तो अब वो स्कूल जाने के नाम से घबरा रहे हैं। तो उनके उस माइंड को कैसे डाइवर्ट करें दोबारा स्टडीज़ की तरफ, उसके लिए एक्साइटिंग आइडिया मैं लेकर आई हूँ कि बच्चों को यम्मी किस्म के लंच बॉक्स दें कम से कम 1 वीक के लिए। तो आप उनको दें ताकि वो इस खुशी और एक्साइटमेंट में ही स्कूल जाएं कि हमें एक अच्छा सा एक लंच मिलेगा। तो उस लंच की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग किस्म का एक लंच बनने वाला है और बच्चे खुश होकर जाएंगे, इसकी 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ले ली है व्हिपिंग क्रीम, और व्हिपिंग क्रीम आप कोई भी ले लें, और अगर व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आम आप टेट्रा पैक की जो क्रीम मिलती है आप वो ले सकते हो, मिल्क पैक की, जो भी आपके पास फिजिबिलिटीज हैं आप उसको अवेल कर सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपके पास है, आप घर में मौजूद है या जो बाहर से लेना आपके लिए, आप वो वाली क्रीम ले सकते हो। और दूसरा इंग्रीडियंट में मैंने यहाँ पर ले ली है जेली, मैंने रफान की जेली ली है, आप कोई भी जेली ले सकते हो। इसमें मैंने एक बनाना फ्लेवर की जेली ली है और एक मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर की जेली ली है और दूसरी मैंने इसमें ली है स्ट्रॉबेरी जेली। 3 जेलीज मैंने ली हैं इसमें, ये देखें, ये वाली मैंगो है और जो ये दूसरी है ये स्ट्रॉबेरी है। 3 जेलीज ले ली, एक हमने क्रीम का पैकेट ले लिया और इसके बाद जो है हम ले लेंगे ये देखें, ये जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर जो है ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग इसको खानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिक इसका मकसद होता है किसी भी डिज़र्ट को सेट करने में, और ये 100% हलाल है। जो मेरी बहनें आउट ऑफ कंट्री रहती हैं उनको भी इजीली मिल जाएगा, और इसके ऊपर मेंशन होता है कि यह हलाल है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये जो जेली हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसमें भी जेलेटिन पाउडर होता है जो उसको सेट करने में मदद करता है। तो खैर, आप एक ये ले लीजिए। इसके बाद हम ले लेंगे शुगर, और क्वांटिटी मैं आपको जब मिक्स करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर 1 कप मैंने दूध ले लिया है, और इसके बाद ये फ्रूट कॉकटेल में भी आपकी मर्ज़ी, आप कौन से वाले फ्रूट्स लेना चाहते हो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, और कौन कौन से फ्रूट रखना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो क्योंकि ये एक ट्यूटी फ्रूटी डेजर्ट है और बच्चों के लिए ट्यूटी फ्रूटी लंच है, तो इसलिए इसके अंदर ये फ्रूट कॉकटेल का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहरहाल जो मैंने 1 कप दूध लिया था ना, उसमें से थोड़ा सा दूध जो है मैंने सेपरेट कर लिया है छोटे बाउल में, और ये जो दूध होना चाहिए ये थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, ठंडे दूध में इसको शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है वो भरकर ले लिया है इसका जेलेटिन पाउडर का। मैंने मेजरिंग स्पून से लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास दूसरा स्पून है तो, क्योंकि वो टीस्पून छोटे होते हैं, तो आप उसमें भी 1 टेबलस्पून ऐड कर लें, ठीक है। और फिर अब एक बड़े बाउल में आप ले लें 1 कप दूध, ये भी मैंने मेजरिंग कप लिया है। आप जिस कप में दूध मेजर करके डालेंगी ना, उसी कप में आपने क्रीम भी मेजर करके डालनी है। दोनों चीज़ें 1-1 कप हमने ऐड करनी है, और दूध जो आपका होना चाहिए वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए, थिक वाला मिल्क होना चाहिए। और इसमें जाएंगे अब 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं चीनी के, और चीनी भी उसी मेजरिंग स्पून से ही मैंने मेजर की है जो मैंने आपको पहले दिखाया था 1 टीस्पून वाला, ठीक है। अब ये जो मैंने बैटर बना के रखा था ना उसका जेलेटिन पाउडर दूध का, तो वो मैंने इसमें अब डाल दिया है। और आप इसमें, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर, अच्छी तरह इसको बीट कर लें बहुत अच्छे से, इसको इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यकजान हो जाना चाहिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आप कर लें। अब ये देखें, ये हो गया है रेडी। अब मुझे चीनी थोड़ी कम लगी थी तो मैंने एक चम्मच और डाल लिया था, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं अपने टू टेस्ट, ठीक है। यहाँ 3 जेलीज जो है मैंने बना ली हैं, और बनाते हुए मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि सबको बनानी आती है। यहाँ पे कप्स ले लें, कोई भी ले लें डिस्पोजिबल कप्स, ठीक हो गया। और जेलीज को साइडों से लूज करके इसके छोटे छोटे चंक्स बना लें, बिल्कुल छोटे छोटे, जितने के आप लोगों को पसंद हैं और मुंह में आते पूरे भी नहीं लगेंगे, इतने छोटे रखिए कि बाइट्स में अच्छे से बच्चों को आ जाएं, ठीक हो गया। आप इसी तरह मैंने ये स्ट्रॉबेरी जेली को भी कर लिया है, और ये बनाना जेली है इसको भी कर लेंगे, और मैंगो जेली को भी कर लेंगे, तीनों के कर लेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये लंच जब आप अपने बच्चों के देंगे ना, तो मेरी आप बैट लगा लें मुझसे कि आपके बच्चे बहुत खुश होकर एक्साइटिंग होकर जाएंगे, क्योंकि मेरी अपनी छोटी बेटी है तो वो भी इसी तरह एक्साइटिंग होकर हो रही है इसको देखकर कि मम्मा मेरे लिए सुबह के लिए क्या रेडी कर रही हैं। तो खैर, ये तमाम तर जेली जो है स्टेप बाय स्टेप आपने 1-1 चम्मच जो है इस कप में पोर कर देना है, ठीक हो गया। इसके बाद ये ले लें बैटर जो हमने बना के रखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर दें। इस तरह से हमने इसकी लेयर्स लगानी है, जेली पहले 3 जेलीज आप डाल दें, फिर उसके बाद फिर ये बैटर डालें, फिर जेलीज डालें, फिर ये बैटर डालें। इस तरह से लेयर वाइज आप इसको बनाएं,
और जब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ ना, तो मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी हुई और बहुत एक्साइटिंग हो रही है वो, और एक्साइटेड हो रही है सॉरी, कि ये सोच करके सुबह मुझे ये लंच लेके जाना है। और वो साथ बैठी है मेरे और सारा मेरे साथ देख रही है प्रोसीजर कि मम्मा मेरे लिए कल के लिए क्या बना रहे हैं। और वो आप बिलीव नहीं कि वो इतनी खुश हो रही है ना जाने के लिए, कि शायद अगर मैं इसको ये आइडिया नहीं करती तो वो इतनी खुश नहीं होती। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहिए। और अब इसके बाद सबसे ऊपर लास्ट में आपने जो है ना ये वाइट क्रीम और मिल्क की जो हमने बनाया था बैटर, वो डालने के बाद इसके ऊपर आप जो है ना फ्रूट कॉकटेल से फ्रूट्स डाल दें, कलरफुल से अच्छे अच्छे से फ्रूट्स डालें। ये देखें जिस तरह से मैं डाल रही हूँ इसी तरह आपने डालने कलरफुल से। और जब आपने ये बनाना है ना, अगर सपोज आपके बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है तो आप ये रात को बना के आपको इसको फ्रिज में रख दें। ये इतने अच्छे से सेट हो जाएगा कि जब आप बच्चे को सुबह देंगे ना तो ये मतलब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि मैसी आपके बच्चों के जो स्कूल के बैग को मैसी कर दें या यूनिफॉर्म को मैसी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अपनी जगह सेट कर लेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से, बहुत अच्छा थिक फ्लेवर हो जाएगा इसका। और क्योंकि छोटे बच्चे हैं और आजकल टाइमिंग भी कम है तो बच्चों को जल्दी लंच टाइम हो जाता है, तो इससे ये भी नहीं फ़र्क पड़ेगा कि ये ख़राब हो जाएगा या कुछ इस तरह का इशू होगा, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। तो आपको पता है कि आजकल बच्चों को जो है 12 बजे छुट्टी हो जाती है और छोटे बच्चों को उससे भी पहले हो रही है। तो इसी तरह ये दूसरा कप भी मैंने रेडी कर लिया, ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर फिर से मैं वाइट वाला मिक्सचर डाल दूँगी, इसको फिर किया और इसको सेट करने के बाद इसके ऊपर भी आप लगा दीजिए फ्रूट्स। ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो रहे हैं, कितने खूबसूरत यमी ट्यूटी फ्रूटी सा ये डेजर्ट हमारा बन रहा है, बहुत मज़े से। तो ये देखें कितने अच्छे से ये रेडी हो गए हैं। और ये जो बचा था ना, इसको मैंने बड़े, ये देखें बड़े बाउल में भी कर लिया था, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने कहा छोड़ा इसमें भी बना लेते हैं। आपका भी अगर बच्चा तो आप इसमें फैमिली के लिए इसमें बना के रख लें और ये बच्चों के लिए बना लें। और ये आइडिया जो है ना, आप बच्चों के बर्थडे पार्टीज पर भी इसको रख सकते हैं, सब बच्चों को दे दें और हाथ में दे दें बच्चों के, तो बच्चे बड़े मज़े से रहेंगे। और अब देखें मैंने इसको तकरीबन जो है ना आधे घंटे के बाद ही, क्योंकि मैं जो आपको दिखाना था तो मैंने आधे घंटे के बाद ही इसको जो है ना निकाल लिया है। मगर आपने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, नोट ऑफ फ्रीज़र। मैंने फ्रीज़र में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने आधे घंटे के लिए रखा है तो इसलिए फ्रीज़र में रखा है। आपने सिर्फ इसको फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए, सुबह बच्चों को आराम से दे दें। और ये देखें कितने खूबसूरत ये रेडी हो गए हैं, ये देखें इतने यम्मी कि मैं आपको क्या है बताऊँ, बहुत टेस्टी है ये। आपको भी देखने से लग रहे होंगे ना कि कितने टेस्टी हैं, और बिलीव मी कि ये बच्चे आपके लेकर जाएंगे तो बहुत खुश होने वाले हैं। मेरी बच्ची तो बहुत एक्साइटेड हो रही है कि बस मामा कब सुबह मैंने जाना है स्कूल और आप मुझे ये दे दोगी। और ये देखें इसको करीब से, इसकी लुक देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है, ये देखें। और बिलीव मी कि अभी सिर्फ मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको बच्चों को देना कैसे। एक आप इस तरह से स्टिक ले लें, इसको ऊपर रख लें और इसके बाद क्लिंग रैप ले लें और क्लिंग रैप से इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको, ये देखें इसको रैप कर दें। कितने अच्छे से ये रैप हो गया और कितना अच्छा लग रहा है। और बच्चे इसको लेकर जाएंगे तो बहुत खुश होंगे और जो है ना सारा दिन इसी खुशी में निकाल देंगे कि हम लोग कितना अच्छा लंच लेकर आए, हमारी मामा ने हमें कितना यमी लंच दिया है। तो चलिए मैं अपनी बेटी को ये देती हूँ और पूछती हूँ कि कैसा ये बना है। ओके बेटा, मैं अभी लाई आपके लिए, ये ले आप इसको ट्राई करें। टेस्टी लग रहा है। अभी आप खा के बताएं कि आपको कैसा लगा ये। गर्ल्स अभी अच्छे से जो है मैंने इसको सेट कर लिया है और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी एंड यमी है। थैंक यू बेटा। तो आप इसको कल स्कूल लेके जाओगी? यस। और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगी? यस। चलो जी, तो सो नाजरीन ये देखें कितना मजे का माशाल्लाह कितना यमी और क्रीमी डिजर्ट हमारा रेडी हो गया, ट्यूटी फ्रूटी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसको जरूर ट्राई करेंगे, अपने बच्चों को देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।